तो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। मेरा नाम है अनिमेश और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है डायगोनल ए सी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट एंगल ए सो दैट इट बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो एंड ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो हमको पहले निकालना है कि ये जो डायगोनल ए सी है ये इस एंगल सी को भी बाइसेक्ट करे, मतलब इक्वल एंगल्स हो दोनों। तो हम पहले करते हैं। और ये हमको दे रखा कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो एंगल है, एंगल डी सी ए एंड एंगल सी ए बी, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो हम इस एंगल को 1 लेट कर देते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, इसको 3 कर लेते हैं एंड इसको 4 कर लेते हैं। लेट ओके। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये हमको दे रखा है। एंड बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये हमने भाई पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से निकाल लिया। और आपको एक और दिख रहा होगा, ये देखिए, जज से में एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। अब हम इन एंगल्स को एक साथ कॉम्बाइन करके लिखेंगे। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल नंबर 2 एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल नंबर 4 एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल नंबर 3। तो आपको दिखा ये एंगल 4 एंगल 3 इक्वल है और हमें यही प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट में कि ये बाइसेक्ट करता है एंगल 3 और एंगल 4 को। तो प्रूफ हो गया ए सी बाइसेक्ट एंगल सी। अब हमारा सेकेंड पार्ट हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। और एक हमारी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगती है कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल 3 के अपोजिट साइड जो ए डी है वो इक्वल होगी, एंगल 2 की अपोजिट साइड डी सी इक्वल होगी। वैसे एंगल 1 की अपोजिट साइड बी सी इक्वल होगी, एंगल 4 की अपोजिट साइड ए बी इक्वल होगी। इसकी वजह से हमारा जो पैरेललोग्राम ए बी सी डी के सारे साइड इक्वल होगी तो ये रोम्बस कहलाएगा। तो हम कर लेते हैं, तो ए बी सी डी इज अ रोम्बस। हम लिख देते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और जिसको भी ये वीडियो अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब कर दो। तो चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।